खबर है हमीरपुर से, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। दुकानों में तेज धुआं देखकर दुकानदारों ने चिल्लाकर सभी दुकानदारों को जगाया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। दुकानदारों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दरअसल पूरा मामला सरीला कस्बा के पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर पुरानी सरकारी अस्पताल परिसर में फुटपाथ दुकानदार दुकान रखे हुए थे। आज सुबह करीब 3:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण दुकानों में आग लग गई। दुकानों में धुआं देख दुकानदारों ने आसपास सो रहे दुकानदारों को जगाया। जब तक दुकानदार जागे तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदारों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद दुकानदारों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। हमीरपुर से हनाड़ प्रजापति की रिपोर्ट। कैसे आग लगी? क्या क्या नुकसान हुआ? फ्रीजर है, काउंटर है, फर्नीचर है, कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन बिस्किट है, कूलर पंखा सब। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 3 लाख। तो आग कैसे बुझाई गई? आग फायर ब्रिगेड आए। क्या क्या नुकसान हुआ आग लगने से? आग लगने से फ्रीजर जल गया है, माल रखा था काफी, जल गया, सब खाक हो गया। आग कैसे लगी? लगभग कितना नुकसान है? 1.5 लाख। आग को कैसे बुझाया गया? सब लोग बुझाई गई। ये आग कैसे लगी? इसमें आपका क्या क्या नुकसान है? हमारी पूरी मिठाई ठाई फर्नीचर वगैरह सब जल गए, कुछ भी नहीं। और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परमिट और ये हमारे बच्चन के सब आधार कार्ड वगैरह जितने भी कागजात हैं सब जल गए। सब हमने ग्राहक से रखा था। लगभग कितना नुकसान हुआ? कम 1.5 लाख से कम सब जल गए, कुछ नहीं बचा। आपको कैसे काबू में आग में कैसे बुझी है? आग जब सरकार की गाड़ियाँ आई, लोगों ने सबने बुझवाई और सब जनता लोगों ने बुझवाई थी कि किसी को